ऐसे ही एक दूसरे मीर जाफर हैं, उनका नाम है सुश्री जयललिता। वो क्या थी? वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। तो जब वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी ना, तो उसकी तनख्वाह मालूम है कितनी थी? पे उसकी 1 रुपए 25 पैसे पर मंथ, 1 रुपीज 25 पैसा पर मंथ, ये उसकी सैलरी। और इतनी सैलरी पाने वाले बहन के घर में जब सीबीआई वाले पहुंचे तो क्या मिला पता? 40 किलोग्राम सोना, 800 किलोग्राम चांदी, 10,500 साड़ियां, 7,500 सैंडल, और सुनिए, 44 एयर कंडीशनर, और सुनिए, 19 लिम्यूजिन कार्स, और एक लिम्यूजिन कार की कीमत है 5.5 लाख रुपए इस समय। तो 19 कार्स, और आखिर में 65 करोड़ रुपीज कैश। अब सुनिए कि उसको तो 1 रुपए 25 पैसे पे मिलती थी पर मंथ, इतना पैसा कहां से आया? जिसको 1.25 रुपए तनख्वाह मिलती हो उसके घर में 65 करोड़ रुपए कैश, 40 किलोग्राम सोना, 800 किलोग्राम चांदी, 10,500 साड़ियां, 7,500 जूते और 19 विदेशी कार, इतना सब कहां से आया? तो उसकी तपास जब हुई है, अभी पूरी हो चुकी है, तो सीबीआई वालों ने बताया कि ये जब मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में चंदन के जंगल हैं, चंदन समझते हैं, सैंडलवुड, तो 1,000 हेक्टेयर के चंदन के जंगल इसने विदेशी कंपनियों को मुफ्त में बेच दिए। तो विदेशी कंपनियों ने क्या किया? उसके बदले में रिश्वत खिलाई, और अब वो रिश्वत खाके अब उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, ये नहीं मालूम कब।